स्वदेशी वैक्सीन बनकर हुआ तैयार, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कैसे तय होगी कीमत। आप सभी वरिष्ठ साथियों का बहुत बहुत आभार। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीम में है, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है, वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है। और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है। और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए
विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।